बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, एक सिक्स फैंटम। इसका जो स्विच ऑन होता है इधर से होता है, यहाँ से ये ऑन बटन है, ये इसको आप ऑन कर दीजिए। फिर सैंपल वगैरह ज़्यादा और बैकअप वगैरह ज़्यादा, बड़ा फाइल रहेगा तो स्टार्ट होने में थोड़ा समय लेता है। G6X6 में की सबसे बेस्ट है, इतना अच्छा की किसी भी कीबोर्ड में आज तक मैंने नहीं देख पाया। और भी अच्छे अच्छे कीबोर्ड हैं पर की इसके बहुत अच्छे हैं। X6 में थोड़ा सा टोन का प्रॉब्लम है, टोन कटता है थोड़ा, और G6 में नहीं कटता। ये है पैच मोड, इधर ये पैच मोड है। पैच मोड में आपको सिंपल टोन मिलेंगे। ये कर्सर है, ये यहाँ से आप टोन आगे पीछे कर सकते हैं। इधर ये कॉर्डिंग के लिए है लेफ्ट हैंड साइड, और ये लीडिंग के लिए इधर है। अगर कॉर्डिंग को राइट हैंड में करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट हैंड में लीडिंग करते हैं, उसके लिए आप जाइए कहाँ पे, परफॉर्मेंस मोड पे जाइए, इसके बाद पार्ट व्यू में जाइए, फिर जैसे कॉर्डिंग वाला सेक्शन को आपको राइट में करना है तो यहाँ पे आप जाइए की रेंज में जाइए उसके बाद, और की रेंज में जा करके जिसको जहाँ पे रखना है, जैसे ये लीडिंग वाले पार्ट है तो ये G3 तक है और ऊपर तक है, और ये लीडिंग वाले इधर हैं कॉर्डिंग वाले, इसमें ये कॉर्डिंग है, तो अपन इसको बढ़ा करके ऐसे कर्सर से घुमा करके जहाँ तक रखना है, मैंने इधर रखा है G5 तक रखा है, और इसको अपन कर सकते हैं पूरा, ये इधर ये कर दिए अपन G9 तक, पूरा आखिरी तक जाने दिए, और इसको कर दिए अपन कम। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ तक कैसे कैसे रखना है। इसके बाद आपने ये राइट कर दिया, इसके बाद आपने ये राइट कर दिया, परफॉर्मेंस में जा करके फिर एक बार राइट कर दिया, इससे हो गया, मेरा ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। यहाँ पे राइट कर देंगे, फिर ये राइट करेंगे, फिर आपको कार्ड में करना, यूज़र में करना है, कार्ड में करना है तो कार्ड ये हो गया, यूज़र ये हो गया, नॉर्मली कार्ड में ही करते हैं ज़्यादातर लोग, और मेरा सेव है चूँकि तो मैं नहीं करूँगा। और इधर ये बटन रिकॉर्डिंग के हैं, ये ऑडियो, आप इसमें म्यूजिक खुद के बना करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए है ये। और ये असेंबलिंग कर सकते हैं आप, इसमें जो चीज़ को आप फ्रंट में रखना चाहेंगे वो इसमें आ जाएगा, और इस पे काम करेंगे ये वाला बटन, असाइनेबल बटन है ये मतलब 3×9 बटन आपके काम करेंगे इसकी सहायता से। और डी बीम है, ये डी बीम का मतलब होता है जैसे ऑन हो गया, ये ऑन हो गया तो ये साउंड आएगा आपको, ये खट खट की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये इसमें आप जो भी चाहे सेट कर सकते हैं। और ये पियानो मोड है, ये लाइव परफॉर्मेंस के लिए आप शिफ्ट प्लस पियानो करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें आप फिर अपना लाइव के हिसाब से इसमें थोड़ा स्टोन कटता है, इतना कटता है टोन, बस हो गया, बाकी सब बेस्ट है इसका। और जैसे आपको और कहीं जाना है, और किसी पियानो वगैरह में जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन पियानो इसमें और भी बहुत सारे टोन्स हैं जो इस प्रकार से है, आप देखिए ये टोन्स हैं, ये इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आप गए पियानो में, पियानो इसका बहुत अच्छा है, ये देखिए बेस बढ़िया थोड़ा सा वो